नमस्कार दोस्तों, हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आ गए हैं अपने ही भट्ठे में जो इस प्रकार का रखाया जा रहा है। देख सकते हैं, ये पूरी तरह नीचे का भाग है, इसमें फटा डाल दिया गया है। और ये जो कूट काटते समय जो उसका कूट निकलता है उसको डाल दिया गया है। तो ये इतना भर गया है, अब इसमें डालना है। और ये पुराना भट्ठा है जो इस प्रकार है। और गाइस, जो नया भट्ठा डाला गया है उसमें आग चल रही है, ये इस प्रकार है। तो गाइस, साइड साइड से आग ज़्यादा चल रही है, बीच में भी उतना नहीं पहुँची लेकिन किनारे किनारे में आ गई है। कोंटे के जरिए ज़्यादा चल रही है। तो वैसे भी ईंट इतनी ही है, ईंट जैसे जैसा सूखती जाती है वैसे वैसे भट्ठे में डाला जाता है। तो इसमें एक ही थर लिया जाएगा अभी, उसके बाद फिर ना लकड़ी डाल के उसके ऊपर दो थर लिया जाएगा। इसकी हाइट इतना है, इसमें पूरा लाइट लकड़ी डाला गया है, देख सकते हैं इसकी हाइट इतनी है करीबन। तो कितना लकड़ी डाला गया होगा, करीबन एक बित्ता तक डाला गया होगा। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं मिट्टी की साइड, क्योंकि मिट्टी इस लेवल पर बची हुई है। और ये कछार मिट्टी है, नदी का किनारा वाला जो भाग है तो वहाँ कछार मिट्टी अक्सर पाई जाती है, तो वही मिट्टी है। क्योंकि ये काफ़ी ऊंचा खेत था तो इसको खेत लेवल पर निकालना पड़ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये कन्हार कछार मिट्टी ही है, ना कि काली मिट्टी। काली मिट्टी भी ठीक रहती है लेकिन ज़्यादा काली होने की वजह से ईंट कट जाता है। अक्सर देखा जाता है कि कुछ मिट्टी में ईंट बनाने से ईंट कट जाती, लेकिन ये मिट्टी काफ़ी अच्छी है, रेतीली मिट्टी है। इसको बनाने से ईंट भी काफ़ी साफ निकलती है। ये पूरी तरह रेतीली ही मिट्टी है, कछार मिट्टी। तो यदि आप काली मिट्टी में भी ईंट बना रहे हैं तो यदि कट रही है ईंट तो उसमें भूसा ज़्यादा डालना पड़ता है। लेकिन इस वाली मिट्टी में भूसा यदि नहीं डालोगे तो भी चलता है, क्योंकि ये कछार ही मिट्टी है, इसमें पानी ज़्यादा रुकता ही नहीं है, कछार मिट्टी। तो इस प्रकार की मिट्टी में ये ईंट काफ़ी साफ निकलती हैं। और इस साइड के वाले भाग में हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कछार मिट्टी निकलने लगी, कछार मिट्टी जिसमें बालू कुछ ज़्यादा ही था, तो उसमें कुछ काली मिट्टी डलाया गया है ऊपरी वाले भाग में, ये इस साइड की। ये देख सकते हैं आप, कुछ ऊपर वाले भाग में कुछ अलग मिट्टी दिख रही होंगी, क्योंकि नीचे का जो मिट्टी है एकदम बालू टाइप है, इसलिए इसमें कुछ काली मिट्टी डाली गई है जो इसी में थी। कहीं कहीं पर ज़्यादा बालू वाली मिट्टी निकल रही थी और कहीं पर एकदम काली मिट्टी, तो उसी को मिक्स करा दिया। ये ऊपर का पूरा काला मिट्टी है और नीचे का है बालू टाइप का मिट्टी है, तो ये मिक्सिंग में आ जाएगा। ये इस साइड भी डाला गया है किनारे किनारे में। तो इसके लिए ज़्यादा बालू वाली भी मिट्टी नहीं चाहिए, मीडियम। तो ये पथरीली ही मिट्टी है, पथरीली मतलब रेतीली मिट्टी। तो ईंट बनाने के लिए रेतीली मिट्टी काफ़ी अच्छी होती है, रेतीली हो गई, मटासी हो गई, जिसमें ईंट कटे ना, ईंट इस प्रकार है कुछ। तो गाइस, आज पहला दिन है, एक दिन हो गया है, तो इसमें एक लेयर डाल दिया गया है, उसके ऊपर इसमें ये ऊपरी कंडे डाला गया है, फिर उसके बाद जो बगल में रखा हुआ कूट डाल दिया जाएगा। इसमें अभी एक लेयर ही अधूरा ही है, वो भी पूरी तरह भी नहीं भर पाया है, किनारे किनारा थोड़ा सा बच गया है। तो इसमें यही किनारा बचा हुआ है, और ये दूसरा भट्ठा है, इसमें आग चल रही है। तो इसमें एक ही लेयर रहेगा, इसके बाद अब जैसे ये पूरा हो जाएगा तो इसके ऊपर छेना और लकड़ी का कूट और लकड़ी डाल के दूसरा लेयर रह जाएगा, जिसमें दो ईंट खड़ी आएंगी।
तो गाइस उस भट्ठे में जहाँ जहाँ पर आग चली थी उसमें पेरोक्साइड डाला जाता है, क्योंकि उसको ढक देने से आग काफ़ी बंद हो जाती है और आग चढ़ने में ऊपर काफ़ी सहूलत करती है, इसलिए उसमें पेरोक्साइड डाला जा रहा है इस भट्ठे में। ये साइड साइड जो जल गया है उसमें पेरोक्साइड डाल के उसको ढका जा रहा है। उसमें राबिस भी डाला जा सकता है, लेकिन राबिस डालने से आग बहुत दब जाती है, इसलिए इसको पेरोक्साइड से ढका जा रहा है। और भट्टा भी सेम इसी पोजीशन का है, जैसे ये भट्टा है सेम वैसे ही डाला गया है इसमें, और उसी प्रक्रिया से सेम इसको भी लगाया जा रहा है। इसमें कोयला तो डाला ही नहीं जा रहा है, बिना कोयले का ही भट्टा है। बाकी आप कोयला डाल भी सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास कोयला नहीं है या कोयला के लिए बजट नहीं है तो कोयला नहीं भी डाल सकते हैं। इस प्रकार यदि कोयला डालोगे तो आपको इसमें 2-3 पट लिया जाएगा, लेकिन कोयला नहीं डालने पर 2 ही पट लिया जा रहा है। और ये देख सकते हैं यही भट्टा, इसी कंडीशन का ये भट्टा था, जो किनारे में तो कुछ काला निकल गया था लेकिन काफ़ी अच्छा ईंट आया था वैसे। तो गाइस आज दूसरा दिन है, और दूसरे दिन में उसमें आप ये देख सकते हैं दाल कूट छेना और कुछ भूसा समतल करने के लिए डाल दिया गया, इसमें 2 पट खड़ी लिया गया। क्योंकि इसमें ज़्यादा मटेरियल नहीं था इसलिए 2 ही पट लिया। यदि इसमें कोयला यदि आप डालते हैं, कोयला डाल के यदि लेते हैं तो इसमें 3 ईंट ले सकते हैं, खड़ी 3 ईंट, लेकिन इसमें कोयला डाला ही नहीं गया इसलिए 2 ही ईंट लिया गया है। और इसके लिए ऊपरी एवं छने कंडे फिर से ले लिया है, एक गाड़ी लाए हुए हैं जो इस साइड रखा हुआ है, अभी गाड़ी में ही लोड है, ये देख सकते हैं। यही छेना इसको बोलते हैं हमारे यहाँ, तो इसको इतना छेना उसमें काफ़ी है डालने के लिए, जैसे और लगेगा तो फिर और लाना पड़ेगा। और ये बालू है भाई जी, ये काफ़ी छोटा बारीक बालू है, इसको डालने से काफ़ी फ्रेश ईंट निकलती है, जितना चिकना बालू रहता है उतना ही साफ आती है ईंट। तो काफ़ी नान बालू है, छोटा छोटा कण का। तो वैसे अभी हम भट्ठे को देखते हैं, क्योंकि ये भट्ठे आज से पूरा मतलब ढकने का काम पूरा हो चुका है, फिर भी जहाँ पर खुल जाएगा वहाँ पर ढकना ही पड़ेगा। तो ये देखो इसमें पेरोक्साइड डाल के फिर इसमें राख डाला गया है। तो अभी का वक्त तो ठीक रहता है, क्योंकि अभी तूफान में उतना नहीं आता, तूफान के टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम करता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर।